सारा क्रैक हो चुका है। ये रास्ता भी कुछ दिन बाद ये भी मे भी गिर जाएगा। रास्ता बहुत स्लो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर रास्ता अगर मतलब फटाफट कहीं बनता हो तो यहाँ पे कर्मचारी को देखते हुए काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन कर्मचारी नहीं दिख रहा यार, तो काम करने वाला नहीं दिख रहा है। या तो फिर हो सकता है संडे है तो बन है, संडे है तो काम। सो यहाँ पे सावधान बरखना होगा क्योंकि ये नीचे खोखला हो गया है, उस तरफ से दिख रहा था नीचे खोखला हो गया और रास्ता बहुत छोटा है। ये तोड़ के बना रहा है शायद यहाँ यहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था और यही लैंडस्लाइड अब इधर तोड़ के बना रहा है यहाँ पे। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। सो इस एपिसोड में हम एक शॉर्ट राइड करने वाले हैं विथ माय रॉकस्टार। ओके, सो ये ब्लॉगिंग में क्या दिखने वाला है क्या नहीं, ये आपको एंड तक देखने को मिलेगा, जो कि बहुत दिनों से ये टीस्टा रिवर के वजह से, जो पानी बारिश के वजह से, लैंडस्लाइड के वजह से NH10 रोड बंद है, और NH10 रोड का अपडेट कुछ अपडेट देने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ NH10 रोड। और वीडियो को एंड तक देखना और हो सके तो सब्सक्राइब एंड फॉलो फेसबुक में कर देना, सो थोड़ा सपोर्ट बनता है अपने को। सो चलते हैं। सो गाइस, हमारा मोटो ब्लॉगिंग, सस्ता मोटो ब्लॉगिंग सेटअप जो है वो हमारे हेलमेट में लग गया है और हम निकल रहे हैं अपना रॉकस्टार को लेके, क्योंकि आज पापा का छुट्टी है संडे, तो संडे को थोड़ा वक्त मिला है अपन को ब्लॉगिंग बनाने को। सो थोड़ा शॉर्ट ब्लॉग करते हैं, चलो जय करना पड़ा। सारा क्रैक हो चुका है, ये रास्ता भी कुछ दिन बाद ये भी मे भी गिर जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। सो मेरे चैनल पे जो भी मेरा ब्लॉग देखता है, सो कैसा कन्फ्यूज़न लगता होगा ना, ये कभी बंगाली में ब्लॉग करता है, कभी हिंदी में करता है, कभी कभी नेपाली में करता है, तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस कि कैसा लगता है आपको, आप लोगों को, और थोड़ा हौसला देना यार, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़न हो जाता हूँ कि कौन सा लैंग्वेज में मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए। सो मुझे हिंदी थोड़ा आसान लगता है क्योंकि हिंदी में सब कोई समझते हैं, और नेपाली में अगर करूं तो मेरा बंगाली व्यूवर्स या तो फिर कोई दूसरा जगह का व्यूवर्स जो है उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आएगा। अगर मैं बंगाली में अगर ब्लॉगिंग करूं तो बंगाली का भी थोड़ा कुछ समझ नहीं आएगा। सो यह है दार्जिलिंग का रोड जो कि पानी भर जाता है, सो इसके लिए अभी कम से कम चार पाँच फुट बहुत हाइट किया है ये जगह को, आप देख सकते हो अभी क्लियर है रोड बना रहे हैं, ये देखो देखो बहुत हाइट बना रहा है, तो इसके लिए अभी दार्जिलिंग जाने के लिए गैंगटॉक से अभी ब्लॉकेज नहीं होने वाला है। सो ये काम चालू है और हो रहा है अपना काम, जेसीबी रोड रोलर सारा कुछ है यहाँ पे। सो अपन जा रहे हैं NH10 रोड का अपडेट देखने, तो NH10 देखते हैं ना जाके। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग,
यहाँ पर एकछिन त्यहाँबाट फर्केर आउँछु कि एकछिन भिडियोहरू तपाईँलाई। सो सायद रास्ता बन्द है इसीलिए मुझे बोल रहा है कि कहाँ जा रहा है अभी। सो जस्ट फॉर द व्यूअर्स और जस्ट फॉर मेरा अपना सेटिस्फेक्शन के लिए भी कि रास्ता खुला है कि नहीं और रास्ता का क्या कंडीशन है, सो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो रोड का कंडीशन ये है, खुला तो नहीं है लेकिन फेसबुक में शायद बहुत लोगों ने पोस्ट डाल दिया है कि हाँ रास्ता खुला है, लेकिन देखो ये है रास्ता खुला ही नहीं रास्ता है। रास्ता बहुत स्लो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर रास्ता अगर मतलब फटाफट कहीं बनता हो तो यहाँ पे कर्मचारी को देखते हुए काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन कर्मचारी नहीं दिख रहा यार, तो काम करने वाला नहीं दिख रहा है। या तो फिर हो सकता है संडे है तो बन है, संडे है तो काम करने वाला कोई है नहीं। देखो आप पूरा रोड सुनसान है, देखो कोई काम करने वाला नहीं है। तो मुझे पता नहीं व्यू कैसा आ रहा है और आपको सब अच्छी तरीके से दिख रहा है कि नहीं, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आप देखिए रोड का अपडेट कैसा है, रोड का कंडीशन क्या है। पूरा रोड तो नहीं जा सकता हूँ लेकिन जहाँ तक रोड बन रहा है वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा, जिसके लिए अनस्टैंड रोड बंद है। तो यहाँ पे सावधान बरखना होगा क्योंकि ये नीचे खोखला हो गया है, उस तरफ से दिख रहा था नीचे खोखला हो गया है और रास्ता बहुत छोटा है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये रास्ता कितना दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा गाइस ये रास्ता? मुझे तो लगता है कि हफ्ता भर भी नहीं चलेगा यार, एक हफ्ता चलेगा और फिर दो एक महीना बंद, एक हफ्ता चलेगा गाइस, एक हफ्ता दो हफ्ता चलेगा फिर बंद हो जाएगा। ये देखो रास्ता तो खुला है शायद। सो रोड का कंडीशन ये है, ज़्यादा बारिश होगा तो यहाँ से भी एकदम पूरा नदी बहेगा,
नदी बह के रास्ता शायद यहाँ पे भी बंद हो सकता है। देखो जैसे कि बह रहा है नदी, ये देखो पानी, वाटर क्रॉसिंग। क्या बताऊँ यार, एनएसटेन रोड ऐसा रहेगा तो फिर कैसे होगा। वाटर क्रॉसिंग। रोड कंडीशन ऐसा है। यहाँ है मेन फंडा, असली फंडा यहाँ पे। ये तोड़ के बना रहा है शायद, यहाँ यहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था और यही लैंडस्लाइड अब इधर तोड़ के बना रहा है यहाँ पे। अगड़ी बाटो की ऐसा बोली, थोड़ा आगे जाके देखते हैं, अगर नहीं हो तो मैं वापस करूँगा। ये शायद सिलीगुड़ी से आ रही है सब गाड़ी तो आ रहे हैं। भैया पैदल क्यों जा रहा है? पैदल जा रहे हैं। गाड़ी नहीं मिला? गाड़ी हमारे मेट तो भाग गया ना, लेकिन पैसा नहीं दिया। कौन भाग गया? हमारा जो काम करने के लिए लाया था ना, हाँ वो भाग गया है। आप कहाँ से? हम झारखंड से। झारखंड से वो भाग गए है, वो कहाँ का है? ये कहा है? हम लोग का उधर का ही है, झारखंड का ही है। वो आप लोगों को लेके आया था? आप अकेला है कि और भी था? सब भाग गया। सब भाग गया है, अपने आप? आप अकेला है? पैसा वैसा नहीं दिया? नहीं, इसीलिए पैसा नहीं है, पैदल जा रहे आप? अरे यार हम भी पैसा वैसा कुछ नहीं लेके आए हैं, फोन पे भी गूगल पे भी पैसा नहीं है। अभी आप जाएंगे कैसे फिर? हाँ? जाएंगे कैसे? पैदल ही जाएंगे। पैदल जाइए है ना, आगे सामने है ना, उधर से रोड गाड़ी आ रहा है ना, वहाँ से किसी को पिकअप वगैरह हाथ दिखाइए उन लोगों को। हम लोगों का यहाँ के लोग है ना, हेल्प करते हैं सबको। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई हेल्प नहीं करेगा इसलिए आप पैदल जा रहे हैं ना। आप उनको बताइए एक बार, मैं आपको पहुँचा देता, लेकिन मैं तो इधर ही का हूँ, मैं इधर आप घर जाओ वापस जा रहा हूँ, आपको पहुँचा देता रहते। सिलीगुड़ी जा रहे हैं ना, सिलीगुड़ी जाकर फिर वहाँ पर ट्रेन लीजिएगा। आपका नंबर है? नंबर तो हमारा घर में है, मोबाइल तो नहीं लाया ना हम। मोबाइल नहीं लाया? नहीं यार, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकूँ आप। चलिए कोई गाड़ी आया एक बार हेल्प मांगिए, ठीक है ना, लिफ्ट मांगिए दे देगा, ठीक है भैया। चलिए, हाँ जी, कितना किलोमीटर होगा? सिलीगुड़ी है? सिलीगुड़ी तो बहुत लंबा है दादा, बहुत लंबा, अभी 30-35 किलोमीटर और है। आप पैदल नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं लेकिन बहुत कष्ट होगा ना। आप एक काम कीजिए, जो गाड़ी जा रहा है ना, हाथ दिखाइए, आप एक बार हाथ दिखाइए कि सिलीगुड़ी पहुंचा दीजिए भैया। अभी गाड़ी चल रहा है थोड़ा बहुत, आप हेल्प मांग लीजिए, ठीक है ना। और वैसे आप परेशानी में हैं, पैसा नहीं है, बिना ट्रेन का टिकट का भी पहुँच सकते हैं, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। सो भैया को प्रॉब्लम हो गया यार, इनका कोई झारखंड से है जो कि इनको पैसा वैसा नहीं दे के भाग गया है। सो ऐसा मत करो किसी लेबर के साथ यार, पैसा वैसा नहीं दे के यार इन लोगों को। देखो ऐसे पैदल जा रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है ना। और मैं कर भी क्या पाऊँ यार, इसका फ़ोन नहीं है और मैं पैसा नहीं लेके आया हूँ, जस्ट एक ब्लॉगिंग हल्का रोड का अपडेट लेने के आया था, तो पैसा वैसा मेरे पास भी नहीं है, तो मैं इसको क्या हेल्प करूँ पैसे से। नहीं तो 2-4-5 सौ तो मैं दे सकता था उनको हेल्प करने, ऐसा जस्ट जैसा वो घर पहुंच पाए, एकदम आराम से घर पहुंच पाए, उसके लिए तो मैं दे सकता था, लेकिन है नहीं मेरे पास।
दादा सिलगढी ए एउटा मान्छे एकजना हिँडेर जानु हुँदैछ कि त्यसको ठेकेदारले पैसाहरू दिएन अरे हो हजुर सिधा जानु दिँदैन ए यता बन्छ ए अच्छा अच्छा हुन्छ अच्छा आगे रोड क्लोज है मैंने उस ड्राइवर को तो बोल ही दिया है कि रोड बंद है अब वो ड्राइवर को मैंने बोल ही दिया कि वो एक आदमी पैदल जा रहा है उसका ठेकेदार पैसा नहीं दिया है भाग गया है वो तो थोड़ा हेल्प कर देना पहुंचा देना सिलीगुड़ी तो रोड ब्लॉक है बोल रहा है तो इसके लिए मैं तो इधर ऊपर से जाऊँगा और वो तो सीधा चला गया सो गाइस रोड चाहिँ बन्द छ है रोड चाहिँ बन्द छ और रोड बंद है सेल्फी डाटा पे सो मैं जहाँ तक दिखाया हूँ मैं जहाँ तक गया हूँ वहाँ तक तो बन चुका है और क्लियर है थोड़ा बहुत कुछ दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा सो इसके लिए आज का ब्लॉग यहीं तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हो सके तो सब्सक्राइब और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो थैंक यू एवरीवन सो विदा लेते हैं आपको ये एक सुंदर सटिष्ठा का नज़ारा देख के थैंक यू